हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो कि हमारा ये 12 मॉडल का बोर्ड है, ठीक है। और ये सारे बोर्ड में हम जो है लगाएंगे स्विच सॉकेट, और इसका करेंगे जो कि वायरिंग। आप यहाँ देख सकते हैं नीचे जो कि यहाँ पर भी हमारा ये सारा सामान है, और इसके अंदर भी हमारा पूरा सामान है। और हम क्या करेंगे, इसमें वायरिंग करेंगे और हम आपको दिखाएंगे इसमें वायरिंग करके, ठीक है, इसमें कैसे वायरिंग होता है ये आप देख सकते हैं। और ये नीचे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे 6 मॉडल का हमारा ये भी एक प्लेट है, तो हम इसमें भी वायरिंग करेंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्योंकि सबको वायरिंग करके ये कैसे होता है, और उसके बाद हम दिखाएंगे आपको जो हम कल का बोर्ड जो जाम किए हैं अपने दीवार में उसमें फिटिंग करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रेंड, जो कि यहाँ पे हम पूरा बोर्ड का जो है हम इसमें स्विच सॉकेट इंडिकेटर सब कुछ हम सीवी मिनिमम से हम सब कुछ इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं पीछे से जो कि अभी हम करेंगे इसमें वायरिंग, आप यहाँ देख लीजिए ये सब में हम करेंगे वायरिंग। और यही जो है जो कि कल का हम लोग बोर्ड यहाँ पे जाम किए हुए हैं, देख लीजिए आज ये बहुत अच्छे से जाम गया, और हम लोग इसी में लगाएंगे इस बोर्ड को, ठीक है। और पुटी पेंट अभी होने वाला है, तो उसके बाद आप समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कोई और दूसरा पहले बोर्ड था, आपको लगेगा कि अभी नया काम हुआ है। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे यहाँ पे लगा के कि जो है कि ये कैसा लगता है। सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए जो कि सारा बोर्ड हम यहाँ पर रख चुके हैं, अब हम इसमें करेंगे जो कि बोर्ड का कनेक्शन, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं एक इसका कनेक्शन, आप 12 मॉडल का जो है कि कैसे होगा, और फिर से ये आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पावर प्लग है और एक नॉर्मल सॉकेट है। तो इसका कनेक्शन, हम दो कनेक्शन आपको दिखा देंगे, बाकी सेम कनेक्शन यही है, ठीक है। और अगर देखना है आपको बोर्ड कनेक्शन, तो आप हमारे जो है कि हमारे चैनल के अंदर जा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं जो है कि आपको जितना देखना है बोर्ड वायरिंग आप सीख सकते हैं जाके, मैं पहले से डाल कर रखा हूँ। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे। तो आइए देखिए, तो ये हो गया हमारा जो कि 1.5 mm का वायर, और 1.5 mm का जो हमारा वायर है इसको आप क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ से ऐसे नापना है, ठीक है। और ऐसे नापने के बाद यहाँ से हम छील लेंगे, ठीक है। तो आइए जो है कि हम इसे जो छील लिए, अब हम इसके ऊपर हम लगाते हैं इसके जो कि फोल्ड करके। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये भी। अब इसको क्या करना है कि ये जो हमारा ये बोर्ड का LED है, इस बोर्ड के अंदर जो कि दिया गया है इस कंपनी का ब्रांड, तो आपको इसमें इस तरीके से टाइट कर लेना है आपको। तो देखिए जो कि LED का एक हम दे दें यहाँ फेस, और बाकी को आपको जो है कि टाइट कर लेना है सबको। और इससे क्या करना है, जो मिनी MCB देख रहे हैं इसके ऊपर साइड में आपको ऐसे काट लेना है, आपको ऐसे नीचे नहीं लगाना है, इसके ऊपर ही लगाना है क्योंकि ऊपर से हमारा लोड आउट होता है, इसके नीचे आपको नहीं लगाना है। तो चलिए हम इसे भी छील लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से करके यहाँ से हम ऐसे लगाएंगे। तो चलिए हम ये भी आपको दिखाते हैं लगा के। तो अभी आप देख सकते हैं जो कि हम यहाँ से यहाँ तक लगा दिए हैं, और ये इंडिकेटर का जो आप देख रहे हैं जो हमारे मेन लाइट पे लगेगा, तो हम इसका भी क्या करेंगे, इसको भी हम फेस में लगा देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हम इसे भी जो कि फेस में लगा चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसका न्यूट्रल जो कि हमारा इसका न्यूट्रल और इस वाले इंडिकेटर का न्यूट्रल हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन वायर का न्यूट्रल उसके साथ ये हम करेंगे कनेक्ट, वो हम आपको दिखाएंगे। और अभी क्या करना है, इन दोनों को ऐसे फोल्ड करके हमको इस MCB के अंदर हम लगाएंगे। चलिए तो MCB को हम लगा लेते हैं। तो ये देखिए लग चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है कि 5 pin सॉकेट का कनेक्शन देंगे। तो चलिए सब हम करके आपको हम समझाते हैं। तो ये आप देख लीजिए जो कि यहाँ पे हम MCB के अंदर ऐसे हो गया कनेक्शन, यहाँ से हमारा जो है कि फेस, यहाँ से हम फेस का इन देंगे, यहाँ से आउट हो रहा है जो कि सीधे इधर भी जा रहा है और यहाँ से इधर। तो इसे भी जो है कि हमारा ये जो बोर्ड में इंडिकेटर है इसको भी यहाँ से मिल गया फेस, और जो ये जो मेन जो लगता है हम लोग का ये रेड कलर का, इससे भी यहाँ से हम लोग का दे दें यहाँ से फेस, ठीक है। अब दोनों को जो है न्यूट्रल देना है, तो इन दोनों को क्या करना है कि एक साइड ऐसे हम फोल्ड करके, और जो मेन हमारा जो न्यूट्रल उसके साथ हम इस वाले सॉकेट में लगा देंगे, और यहाँ से आप इसमें जो है कि इस वाले स्विच में लगा देंगे सॉकेट का। तो देखिए, तो जो कि बोर्ड कनेक्शन हमारा हो चुका है 12 मॉडल का, आप यहाँ देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब हम जो है कि अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे इसे भी फिट करके। तो आप देखिए यहाँ पे जो है कि हम यहाँ पे अब हम लगाने जा रहे हैं बोर्ड को, यहाँ आप देख सकते हैं यही पे जो है हम इस वाले 12 मॉडल के बोर्ड को लगाएंगे, यहाँ आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो है कि हमारी MCB आप देख सकते हैं, हमारी मिनी MCB जो है यहाँ पे हमारी लगी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है कि चार यहाँ पे है हमारा स्विच, तो एक स्विच हमारा इसका, एक सॉकेट का, और जो है कि टोटल हमारे यहाँ पे 7 स्विच है, 4 हमारा इधर है और 3 इधर 7 है, ठीक है। और टोटल हमारा जो वायर है यहाँ पर है हमारा टोटल वायर जो कि यहाँ पे हमारा 7 वायर है, आप देख सकते हैं जो कि हमारा ब्लैक कलर का है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है कि हमारा रेड कलर का वायर है, देख सकते हैं यहाँ पे, और जो है कि सारा हम लगाएंगे। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फेस वायर है, तो हम इसको डाल दें यहाँ इनपुट पे, ठीक है, यहाँ इनपुट हम डाल दें फेस,
यहाँ से जो है कि आउट हो गए, पूरा जितना सारा स्विच उसमें जा रहा है। और न्यूट्रल को आप देख सकते हैं यहाँ से, न्यूट्रल यहाँ से देखिए, एक हमारे इस बोर्ड का इंडिकेटर जो है इसमें जा रहा है न्यूट्रल, और एक न्यूट्रल हमारे यहाँ पे आ रहा है। और जो है कि इंडिकेटर को फिर से यहाँ से दीजिए और इसका यहाँ से दे दीजिए, तो इसका भी हमारा हो चुका है कनेक्शन, और ये मेरा इन्वर्टर का है, ठीक है। तो इन्वर्टर का भी हम बाद में देंगे, अभी आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। बस ये क्या करना है, जितना सारा आप वायर देख रहे हैं, ये जितना सारा हम सबको क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगा देंगे, ठीक है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इसके अंदर लगा के, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे जो है कि इसके मतलब कि ऐसे कैसे ये काम करता है और इसका क्या लगाने का मतलब है। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि हम टोटल वायरिंग यहाँ पे हमारा हो चुका है। आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो कि हमारा एक इस पे है, जो कि एक हमारे इस वाले स्विच में, एक इसमें और एक इसमें, और तीन हमारा उधर है। टोटल हमारा 7 पॉइंट था। आप देख लीजिए वायरिंग जो है कि इसी प्रकार से जो है कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे, और ये मेरा इन्वर्टर का, ठीक है। तो इन्वर्टर को आपको क्या करना है, आपको इस पाइप के अंदर ऐसे डाल देना है, ठीक है। मैं इस पाइप के अंदर ऐसे डाल दिया हूँ, तो अभी जब इन्वर्टर का कनेक्शन होगा तो हम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप देख सकते हैं, अब हम इसको यहाँ पे टाइट करेंगे यहाँ पे, और आपको दिखाएंगे हम टाइट करके यहाँ पे कस के जो है कि यहाँ पे कैसा लगता है। तो अभी आप देख लीजिए जो कि यहाँ पे हमारा इसमें लाइट आ चुका है, यहाँ पे हमारा इंडिकेटर भी जल रहा है, यहाँ पे ये भी जल रहा है हमारा बोर्ड का, और यहाँ पे जो भी पूरा हमारा कनेक्शन ओके है। अभी देखिए मैं इसे काटूंगा तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा काम कर रहा है यहाँ मिक्सी भी। तो ये देख रहे हैं बड़ी जो है बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको टाइट करेंगे, तो हम आपको अब दिखाते हैं इसको पूरा इसमें टाइट करके। तो अभी आप ये देख सकते हैं जो कि हम इसे जो कि यहाँ पे हम टाइट कर चुके हैं, पूरा ये अच्छे तरीके से टाइट हो गया, ये अपने जगह जो सेट हो चुका है, और ये देखने में जो है कि बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर लग रहा है। अगर ये आपको भी ये मेरा काम अगर आपको अच्छा लगा हो जो है कि ये कैसे हम इसे किए हैं, तो अगर ये सारा चीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इसलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।